आपने कहा कि ग्लोबल समिट का भी जिक्र किया, G20 का भी समिट का हमें बात सामने आई, और आपने कहा कि G20 जैसा कामयाब समिट वहाँ पर हुआ है। अब जब G20 का समिट हुआ है तो क्या इससे युवाओं के रोज़गार के कोई दरवाजे खुल रहे हैं? देखिए, ढेर सारे दरवाजे खुले हैं। एक तो 34,000 सरकारी रोजगार का निर्माण हुआ है, लगभग और 10,777 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और 7.5 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है, जैसे मधुमक्खी पालन हो, खादी हो, पश्मीना का काम हो, सेब का प्रोसेसिंग हो। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी 7.5 लाख लोगों को स्वरोजगार नहीं मिला है, और ये जम्मू कश्मीर सरकार की साइट पर आपको उपलब्ध मिलेगा कि कितना रोजगार कहाँ मिला है। डायरेक्ट रोजगार लगभग 16,000 दे चुके हैं, इनडायरेक्ट रोजगार 5,000 से ज़्यादा हुआ है, और प्रस्तावित निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट पूरा आने के बाद 4 लाख युवाओं को रोजगारी मिलेगी। पहले रोजगार की कल्पना केवल और केवल टैक्सी ड्राइवर था, आज सारे होटल हमने एडवर्टाइज निकाल दिया है, सारे होटल प्राइवेट होंगे। सिर्फ घाटी में 7 होटल नए प्राइवेट बड़े बनेंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी और कश्मीर के युवाओं को नौकरी के रोजगार की। पहले लाइसेंस 1,000 टैक्सी के थे, अब लगभग 10,000 लोगों को लाइसेंस दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 4 वर्षों में 90,000 करोड़ का निवेश का इरादा आया है, मतलब MOU हुआ है। 2022-23 में 2100 करोड़ का निवेश हो चुका है, 23-24 में 2400 करोड़ का निवेश हो चुका है, और मैं मानता हूं कि सबका इन टोटो देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का वहां आना, निवेश, टूरिज्म, 14-15 में जम्मू कश्मीर का GDP 1 लाख करोड़ था, सिर्फ 1 लाख करोड़, और 2023 में 1 लाख करोड़ से बढ़कर 2,23,000 करोड़ हुआ है। 2.25 गुनी बढ़ोतरी GDP की हुई है। जब GDP बढ़ता है तो उसी का आउटकम रोजगार होता है। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री इसका इंटरप्रिटेशन कर पाएगा कि GDP बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट से, GDP से ही रोजगार भी बढ़ता है।